टी20 वर्ल्ड कप 2022 के अंदर भारत और बांग्लादेश के बीच में एक रोमांचक मुकाबला खेला गया। भारत अगर ये मुकाबला हार जाती तो फिर सेमीफाइनल की रेस से बाहर हो जाती, यानी कि भारतीय टीम दूसरी टीमों के ऊपर डिपेंड हो जाती। लेकिन इस मुकाबले को जैसे तैसे भारत ने अपने नाम कर लिया है। बांग्लादेश ने कांटे की टक्कर दी है, बहुत बड़ी फाइट दिखाई है बांग्लादेश ने, और इतिहास गवाह रहा है कि बांग्लादेश भारत को हमेशा से ही ऐसे रोमांचक मुकाबलों में टक्कर हमेशा से ही देता आ रहा है, और आज भी कुछ ऐसा ही हुआ। लेकिन इस मुकाबले में जहां एक तरफा जीत लग रही थी, बीच मैदान पर कुछ गर्मा गर्मी के माहौल देखने को मिले, विराट और साकिब अल हसन के बीच कुछ ड्रामा देखने को मिला, तो मैच में बारिश की बात में भी कुछ ड्रामा रोहित शर्मा, साकिब अल हसन और एम्पायर के बीच में भी देखने को मिला। तो हम आपको बताते हैं कि इस मुकाबले में हार के बाद साकिब अल हसन ने क्या कहा है। विराट कोहली को लेकर भी बड़ा खुलासा किया है, और भारतीय टीम से करारी हार के बाद उन्होंने क्या कहा, किस तरह पर भारत पर कुछ बड़ी बात कह डाली है, जो सुनकर या देखकर हर कोई हैरान है। आइए आपको बताते हैं इसे खास रिपोर्ट में। हाँ, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी हैं टीम इंडिया के फैन तो वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट दिखाएं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबाएं ताकि क्रिकेट जगत की तमाम बड़ी अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो जी, हम बात कर रहे हैं टीम इंडिया ने टी20 वर्ल्ड कप 2022 में सुपर 12 राउंड के अपने चौथे मुकाबले में बांग्लादेश को शिकस्त देते हुए सेमीफाइनल के लिए अपनी दावेदारी मजबूत कर ली है। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 184 रन बनाए। हालांकि मैच के दौरान बारिश भी हुई, जिस वजह से डकवर्थ लुईस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हुए बांग्लादेश को जीत के लिए 151 रन का लक्ष्य दिया गया। इस स्कोर के बांग्लादेश की टीम 20 ओवर में महज 145 रन ही बनाने में कामयाब हुई। बांग्लादेश को भारत से मिली इस करारी हार के बाद कप्तान साकिब अल हसन ने हार का ठीकरा जो है वो अपनी ही नहीं बल्कि भारतीय टीम पर फोड़ दिया है। हम आपको बताएंगे क्या कहा साकिब अल हसन ने, लेकिन उससे पहले थोड़ी पॉइंट टेबल पर भी नजर डाल देते हैं। पॉइंट टेबल में भारतीय टीम पहले पायदान पर है, 4 में से 3 मुकाबले जीते हैं, 6 पॉइंट भारतीय टीम के पास है, और दूसरे पायदान पर साउथ अफ्रीकन टीम है जिन्होंने 2 मुकाबले जीते हैं, 1 रद्द होने की वजह से कुल 5 पॉइंट इनके पास में है। और इस ग्रुप के अंदर सेमीफाइनल में जाने वाली 2 टीमें साउथ अफ्रीका और भारतीय टीम लग रही है, क्योंकि बांग्लादेश अब पूरी तरह से बाहर है। पाकिस्तान की टीम की बात रहती है तो अब कल डिसाइड हो जाएगा, जो पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के बीच मुकाबला खेला जाएगा उसे ये बात तो साफ हो जाएगी कि कौन सी टीम जो है वो सेमीफाइनल में जाएगी, क्योंकि अगर पाकिस्तान जीतती है तो वो बरकरार रहेगी, कुछ उम्मीदें उनकी रहेंगी, लेकिन हार गई तो 100% बाहर हो जाएगी। और वैसे भी आखिरी मुकाबला जिम्बाब्वे का और साउथ अफ्रीका का है, तो साउथ अफ्रीका वो मुकाबला जीतकर भी 7 पॉइंट अर्जित कर लेगी। कुल मिलाकर साउथ अफ्रीका का क्वालिफाई में जाना तय माना जा रहा है। लेकिन भाई, आपको बताते हैं क्या कहना है साकिब अल हसन का इस मैच के बाद में। साकिब अल हसन ने कहा, ये एक कहानी रही है, जब भी हम भारत के खिलाफ खेले हैं हम लगभग वहां हैं लेकिन सीमा पार नहीं कर पाते हैं। यह एक शानदार खेल था, भीड़ ने इस खेल का खूब लुफ्त उठाया, आखिर में किसी को जीतना था और किसी को हारना था। लिटन दास की पारी पर साकिब अल हसन ने कहा, लिटन ने वास्तव में अच्छी बल्लेबाजी करी और वो हमारे अब तक के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज है। हमने सोचा है कि हम उस शुरुआत के बाद लक्ष्य का पीछा कर सकते हैं। हमारी योजना भारत के ओपनिंग बल्लेबाजों को जल्दी आउट करने की थी, इसलिए मैंने तस्कीन को भेजा, वह अब तक हमारा मुख्य गेंदबाज रहा है, दुर्भाग्य से उसे आज विकेट हासिल नहीं हो पाया है, लेकिन हमारी योजना थी कि टीम इंडिया के टॉप ऑर्डर को जल्द से जल्द आउट कर मैच को अपने नियंत्रण में लेना चाहते थे, पॉजिटिव थे और इस वर्ल्ड कप में आनंद उठाना चाहते थे। लेकिन उन्होंने साथ में कहा कि मैच में कुछ गर्मा गर्मी का माहौल देखने को मिला, विराट कोहली और हमारे बीच में कुछ बात हुई शायद एम्पायरिंग को लेकर, लेकिन उन्होंने मैच के बाद काफी हद तक भारतीय टीम की तारीफ करी और कहा भारत इस काबिल है कि वो सेमीफाइनल में जाए, और कहीं ना कहीं साकिब अल हसन ने मैच से पहले ही हार मान ली थी। साकिब अल हसन भारत की तारीफ करते हुए नजर आए, इस बारे में आपकी क्या राय?